मीणाओं से, आदिवासियों से मीणाओं से साबित किया गया, उसके बाद हमको 5.5 मिला। मानते हो इस बात को? लेकिन जब पूर्वी राजस्थान के मीणा को यहां आदिवासी घोषित करके अगर लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाता है और सीट दे दी जाती है, तो क्या उस पे पानी नहीं फिरेगा, उस लाइन पे, उस परिभाषा पे लाइन फिरेगी कि नहीं फिरेगी? उस आदमी ने बोल दिया कि नहीं, हमारा रोटी बेटी का व्यवहार भी है, हम जय जवाहर हम भी बोलते हैं, वही बोलते हैं, पहले अपने देखे देखिए सीख रहे नहीं सीख रही है। मेरा वेलकम है, आपका समाज के बीच में वेलकम है, लेकिन हमारी कुर्सी, हमारी रोटी खाने का आपको अधिकार नहीं है। आप आओ, आपका स्वागत है, सभी समाज का स्वागत है। 18 दिसंबर को आचार संहिता के अंदर 5,500 नौकरियां भाई साहब द्वारा भेज दी जाती है हरियाणा की विमल राज कंपनी को। क्या आपको पता नहीं था क्या 6 महीने हुए, 3 महीने भी नहीं हुए ना दिसंबर गए, तो इनको उस दिन पता नहीं था कि मैं 3 महीने बाद चुनाव लड़ने वाला हूं। आपको पद मिला था, आपको पद मिला था जनजाति आयुक्त का, उस दिन भला क्यों नहीं किया हमारा? आपको पद मिला था कलेक्टर का, उस दिन भला क्यों नहीं किया? आप सब तरफ खा के लास्ट में सोचा है कि यहां भी खा लूं, सांसद बन के आदिवासियों को मूर्ख बनाऊं, इनकी रोटी यहां भी खा लूं। आप आरएसएम के एमडी थे, 3S मिनरल्स गोदरा, SN मिनरल्स 10 कंपनियां थी, हजारों रोजगार थे, जामा कोरडा 2BHK 3BHK की फ्लैट की सुविधाएं थी, आपने बिहारी बंगाली को भेज दी। क्या उस टाइम हमारे भूखे दिखे नहीं थे आपको, हम आदिवासी दिखे नहीं आपको? जनजाति आयुक्त रहते हुए आपने हरियाणा वालों को बेची नौकरी, आरएसएम एमएमडी रह के आपने बिहार बंगाल वालों को नौकरियां बेची, और आप बोलते हो कि हम अब आपके बीच में रोटी की व्यवस्था करने आए हैं। ये चुनाव ये बताएगा आदिवासी भूखा हो सकता है लेकिन मूर्ख नहीं। धन्यवाद साथियों, समय का अभाव है, और भी वक्ता है, धन्यवाद। खूब खूब जोहार अरविंद जी को। साथियों, जितने भी वक्ता है उन सबसे निवेदन है कि आप केवल भारत आदिवासी पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई प्रकाश जी भूज और साथ में आज से जो समय बाकी है उसमें हमें किस तरह से मेहनत करनी है, कैसे काम करना है और किस तरह से हमें विजय हासिल करनी है, इसके बारे में ही बोले। उनसे सभी वक्ताओं से निवेदन है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे के लिए दुलेश मुकेश जी, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता को आमंत्रित करूं कि वो आए और अपनी बात को रखें। मुकेश जी। साथियों, संख्या बल बढ़ रहा, धीरे धीरे आप अपने बीच में गैप न छोड़े, थोड़े आगे खिसक जाए। मारा भाई जी फाड़ा बेटा होना तो निवेदन है कि मोरे आपता जो सभी लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के प्रत्याशी हमारे प्रकाश जी भूज के नामांकन रैली में पधारे हुए सभी युवा वडील साथियों का मेरे तह दिल से हार्दिक जोहार अभिनंदन। आज जो देश में संविधान विरोधी ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं, इसके लिए आज भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश लेवल पे अपने प्रत्याशी उतार कर इस क्षेत्र के आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रही है। आज आप सबके सामने यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें अपने पुरखों की हैं और इन पुरखों ने अपने शौक ऐयाशी मौज मस्ती नहीं की, अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, और इनके बलिदान और त्याग से उसकी जो अपने शौक मस्ती और जो आराम ऐसा आराम अपने मिल रहे हैं वो अब अपन उठा रहे हैं। आज आने वाले अपनी नस्लों के लिए लड़ने के लिए भारत आदिवासी पार्टी आज इस मैदान में आई है। आप आदिवासियों की सुरक्षा के लिए भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद्र भूज को भारी मतों से विजय बनाए और भारत आदिवासी पार्टी एक बिल्कुल पैसों से कमजोर है, पर आप ये नहीं समझे कि पैसों के दम पर चुनाव जीता जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप की लड़ाई में आदिवासी ने पैसों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, आदिवासी ने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी और महाराणा प्रताप का नाम आज विश्व लेवल पूजा गुज रहा है। इसी प्रकार
बाहर आदिवासी पार्टी अपने जेब के खर्चे से ये चुनाव भारी मतों से जीतेगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। फिर से जय जोहार, जय बिल प्रदेश। खूब खूब जोहार दादा को। आगे हमारे इस नामांकन रैली में जन जन के लाडले युवा विधायक आसपुर से उमेश जी डामोर हमारे बीच में पधारे और उनकी पूरी टीम पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उमेश जी डामोर साहब का। अब मैं आगे के वक्तव्य के लिए धुलेश्वर जी महाराज को आमंत्रित करूं कि वो आए और अपना वक्तव्य दे। बीएपी संभागीय उपाध्यक्ष पराग साहब का मंच पर आमंत्रित करूं और वो आए और वक्तव्य दें। साथियों, इधर जो साथी खड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि आप जगह खाली दे रखें और व्यवस्था को बनाए रखें और बैठते जाएं। आप सभी को जोहार। जोहार। आज उदयपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो नामांकन रैली है उसके अंदर आप सभी उपस्थित हुए हो। समय के अभाव में मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि भारत आदिवासी पार्टी जो अपने इलाके में लाए अपन, हमारे बीच में जगदीश बंदारा नहीं रहे और आज उदयपुर के आसपास के इलाके में कुंभलगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे हमारे खेरवाड़ा वाला जो इलाका है वहां की बात हो, हमारी जमीन को छीनने की बात आ रही है। लेकिन जो खेरवाड़ा के आसपास के जो युवा साथी हैं वो कहीं न कहीं अभी भी भटके हुए हैं। जो डीएमआईसी दिल्ली बंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो कांग्रेस की सरकार लाई है और उस इलाके के अंदर सर्वे भी चल रहा है और हमारे को उठाने की बातें भी चल रही है, वहां के आदिवासी पूरी तरह से डरे हुए हैं। इसके बावजूद भी ऐसी पार्टियों का समर्थन आ रहा है कि हम तो उसको साथ देंगे। उन युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली बंबई औद्योगिक कॉरिडोर है, इसके अंदर अगर अपने इलाके से अपनी आवाज अगर दिल्ली में नहीं जाएगी तो आने वाला वक्त हमारे लिए इतना खराब होगा कि हमारे लिए एक शमशान घाट भी नसीब नहीं होगा। साथियों, अगर हमारी आवाज यहां से दिल्ली जाएगी तो हम हमारा बचाव कर सकते हैं, नहीं तो हमारा बचाव भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवा साथी जुड़े और अपने घर परिवार के अंदर जो भी है सगा संबंधी है आप सभी इनको मिलकर के जोड़ें और भाई श्री प्रकाश जी को यहां से दिल्ली के लिए आप अपना अमूल्य वोट देकर आगे भेजें। नहीं तो कांग्रेस की सरकार ही ये डीएमआईसी लाई थी। और एक और दूसरी बात कि हमारे यहां उदयपुर के अंदर राणा पुंजा हॉस्टल है, लेकिन उस राणा पुंजा हॉस्टल के कई विद्यार्थियों ने कई बार यहां आंदोलन करे, यहां के जो उम्मीदवार हैं वो यहां के अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने इन युवा साथियों की आज तक एक भी बात नहीं मानी है और यहां का वार्डन लगातार इन विद्यार्थियों को परेशान कर रहा है। आप सभी संभाग लेवल के भाई या मौजूद हो, बहने या मौजूद हो, ये लोग गांवों में आते हैं, इनसे हिसाब मांगो कि आप यहां मुख्य पद पे होते हुए भी राणा पुंजा हॉस्टल की पैरवी आपने क्यों नहीं की। हमारा युवा साथी अलग अलग इलाके से इस हॉस्टल में पढ़ने आता है, आज वहां पे दारू पी करके ग्यारह आदिवासी जो विद्यार्थी हैं और कई सारे तो नॉन विद्यार्थी उस हॉस्टल में रहते हैं, वो इनसे आए दिन झगड़ा करते हैं। कल उठ के अगर एक आदिवासी भाई की उस हॉस्टल में मृत्यु हो जाती है तो हमारे वहां कार्तिक भाई की
हत्या कर दी गई और हमें न्याय नहीं मिला, यही स्थिति हमारे यहाँ हो सकती है साथियों। इसलिए आप सबको याद दिलाते हैं कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी हो अपने गांवों के अंदर आता है तो उससे आप जवाब मांगो कि आने वाले समय में इस हॉस्टल के लिए हमारी क्या व्यवस्था होगी, तो वो वैसे ही भाग जाएगा क्योंकि उनके सिद्धांतों में यहां के लोगों का भला करना नहीं दिया है, उनके सिद्धांतों में उनको जो टिकट देते हैं उनका ही भला हो रहा है। अगर वो अपने लिए भला करते, यहां पर बैठे हुए आप सबकी शक्लें बता रही हैं, आप सबके गाल और मुंह के अंदर घुस गए हैं, दांतों के बीच में घुस गए हैं और गांवों के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनके भी हालत यही है। तो इन लोगों ने अपने मां बाप के ऊपर राज किया, मां बाप के भी पेट अंदर गाल अंदर, और आज आपकी भी उम्र होने आ गई, आपकी भी यही हालत है। तो आप सोच लो, ये लोग अगर अपना भला करना चाहते तो अपनी इतनी भी हालत खराब नहीं होती। तो युवा साथियों, बहुत सारे मेरे बात भी वक्ता है और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भाई को जिताएं। और ये पंडाल इतना भरा है कि अब गांवों में घुस करके एक एक गांव के एक एक मोहल्ले में एक एक घर जाने की जरूरत है। आप सबने मुझे सुना, आप सबको तहे दिल से जोहार, जोहार सलाम, जोहार भीम, धन्यवाद, खूब खूब जोहार। संभागीय उपाध्यक्ष बड़ा दादा को आप, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में हमारे सांसद प्रत्याशी भाई प्रकाश जी भूस के फादर आए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अब आगे के वक्तव्य के लिए गोगुंदा विधायक प्रत्याशी भाई उदयलाल जी कटारा साहब को आमंत्रित करो, आए और अपना वक्तव्य दे। उदयलाल जी, उदयलाल जी थोड़ा जल्द करें। साथियों, आपसे निवेदन है, जो साथीगण खड़े हैं आप सभी जिम्मेदार साथी, आप सबसे निवेदन है कि आप आए और व्यवस्था को बनाए रखें और पंडाल के नीचे बैठ से जाएं। उदयलाल जी, सबसे पहले आज उदयपुर लोकसभा सीट के लिए हमारे नामांकन के लिए हमारे प्रकाश चंद्र जी भूस साहब के समर्थन में आशीर्वाद समारोह में पधारे। आप सभी बुद्धिजीवी, आप सभी युवा कार्यकर्ता, पंच पटेल, मेट कोटवाल, आप सभी को हार्दिक जोहार, अभिनंदन, जय भील प्रदेश। साथियों, हमें इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है, यानी कि हमारे हर विधानसभा में हमें हर एक बूथ को मजबूत करना होगा। हमें बड़े बड़े सभाएं करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम सबको मिलकर हमारे एक एक बूथ को मजबूत करने का काम हमको करना पड़ेगा, तो हमारा लोकसभा मजबूत तरीके से हम इस बार सीट निकाल के इन कमल कांग्रेस के रोजड़ों को कई सालों से हमारे देश के अंदर हमारे लोगों को लूट रहे हैं, जिन नालायकों को सबक सिखाने का काम आप और हम सब मिलकर करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। खूब खूब जोहार उदयलाल जी को। आगे में समय जाया नहीं करते हुए एक बार हमारे बीच में
जन जन के लाडले युवा दिलों की धड़कन, हमारे दयाद विधानसभा के विधायक भाई थावर चंद जी डामोर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और अभिनंदन करें। साथ ही आज के इस नामांकन रैली में जिनके लिए हम सब आए हैं वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, प्रकाश चंद जी बुद्ध, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। वे फाड़े भाजावा, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए जवाहर जी जैसा मन से है उनको आमंत्रित करो, आए और अपना वक्तव्य दे। जो साथी आए हैं उन सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी जो गाड़ियां हैं वो व्यवस्थित लगाए, और जो साथी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप व्यवस्था को बनाए रखें और पंडाल में बैठते जाएं। सबको जय जवाहर, जय जवाहर। नाम तो बताई दिया, वही है जवाहरलाल आर्य। आज हमारे उदयपुर लोकसभा के युवा ऊर्जावान जन जन के लाडले जिनके सभा में अपन आए हैं, प्रकाश चंद जी के नामांकन रैली में तो हम आए हैं, तो हमें यहां से एक प्रण लेके जाना है कि हमें हमारे क्षेत्र में किस तरह से काम करना है, क्योंकि हमारी पार्टी कुछ समय से ही बनती है और इतनी आपके गांव से काम करने से आगे बढ़ रही है। इसी की लाज रखते हुए मैं आपको एक जिम्मेदारी भी देना चाह रहा हूं कि हमारे को हमारे गांव, हमारे घर, हमारे समाज और हमारे अन्य समाज को भी हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ेगा कि हमारे प्रकाश जी बूथ के लिए एक एक वोट आपको दिलाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वोट अपना ही है, अपनी जिम्मेदारी खुद की है। जैसे कि अभी आप सभी ने विधानसभा में काम किया है उसका प्रतिशत आपने देखा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका जस्ट डबल करने का आपको काम करना पड़ेगा, तो ही हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से हमारे और भी अपन सुन रहे हैं, एक बार में सुन रहे हैं, कोई पार्टी छोड़कर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो मैं अपन सबको एक जिम्मेदारी यह भी लेनी है, उन भाइयों से भी पास पहुंचना है जो नाराज होकर बैठे हैं प्रत्याशी के ऊपर, जो अभी वर्तमान में दोनों प्रत्याशी हैं और दोनों बारी हैं, एक तो पाली से है और एक प्रतापगढ़ चित्तौड़ से है, तो उनकी नाराजगी वो लेके बैठे हैं उनके पास में, हम सबको जाके मिलकर उनको समझाना पड़ेगा कि हमारा प्रकाश भाई बूच स्थानीय है और इसको आप समर्थन करें तो जरूर वो आएंगे। वो अपना आप सबका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास से कोई आवे और हम भारत आदिवासी का सपोर्ट दें, तो यही जिम्मेदारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ज्यादा बात ना कहकर मेरे वाणी को यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, खूब खूब जोहार, आभार। मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए आगे के लिए वक्तव्य के लिए राहुल जी डोंगरपुर से बधा रहा हूं, उनका मंच पर आमंत्रित करो, आए और कम शब्दों में अपना वक्तव्य दे। राहुल जी आज लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के नामांकन रैली में पधारे हुए सभी बुद्धिजीवी बड़े साथी, युवा साथी, मेरे बहने, आप सबको खूब खूब जोहार, धन्यवाद। आज हमको ये बता देना है कि वास्तविक ताकत क्या होती है। आए दिन आदिवासियों के साथ अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन उसको छुनने के लिए कोई तैयार नहीं। छिहत्तर पिछहत्तर सालों से बारी बारी से उन्होंने राज किया, लेकिन हमारी आदिवासियों की आवाज को वह विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो हमारे भाई थे, लेकिन वो कहीं कहीं उन पार्टियों के गुलाम थे। लेकिन अब समय आ गया है, अपने डेट का कार्य ट्राई ट्राई करें, डेट का कार्य ट्राई ट्राई करें, साटा पहला साटा पर ट्राई ट्राई करें नहीं, अब आ रही बस अपन साटा पर तैयारी है, तो ये डेट का ट्राई ट्राई करते पाचा सभी अपने घर में आ जाएगा। आनंद है,
आज तक के हक में इन दलालों समाज ने जवाब हुआ है कि कार्तिक भाई को न्याय नहीं मिला, पूछा बिल को न्याय नहीं मिला, उन सबको ये न्याय नहीं दिया, उनको जवाब देना आप सबको मिलकर। लेकिन ये सब लोग बात खड़े होंगे। अब मैं समय का मैं वक्ता ज्यादा से ज्यादा बात ना करके मैं नारा बोल देता हूं, जो उसको बोलना आप। अरे आबा